दिरिंगले करगिल एक करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यहाँ ले आता एपेक्स बॉडी इसके जुंगे ले आता मीटिंग सौ तेनो तेजर आंसमा थुग्यू सुनो इस लनपोक निस जुंगे लेगा जो मीटिंग सौ तेनपिन लनपोक सिंह आज करगिल आयोजन तेल तेने करगिल आता डेलीगेशन के डी ए सामा ले आए स्कूटकार जू तेने इ सुम्पा मीटिंग बो तेने गजे लेन एपेक्स बॉडी तकरीबन सांगमा योती ना सिर्फ बीजेपी ना गजे एम पी साहब को उन मस्कुत ले नूर बख्श थे को निजुक स्कूत रखिन मैंने गजे एपेक्स बॉडी मेम्बर सांगमा देरेंगी का योग से ले तेने दिजा मीटिंग न्यूज पे ना गिजर सामा थुग्गी सुनो तेरे यूटी लद्दाख गुर तेल थिंग ने तेने गता लद्दाख से ना ची यूटी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप सिंह गता योग से योत ते वो गता जमहूरियत उसूल लंगजिन गता थीम्स लंगजिन गता मिदुक गता चिया जुना ते ना तेने चिकता तेने गता मीमांग से थुजदे उन्हें बेशक गता लेना करगी लेना ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जैसे गता काउंसिल निश योत तेनो इन लंग तेने ते गुने लगा पावर मा गनमा योत का नुन न्यू आचोस ते गता स्पेस चिक निश एक जुना चिक ता गता नॉन लेप्सेबल गता फंड छात पिन गता यूटी संगुन लले ते वांग मेत कान चोस जु गता काउंसिल उने रिक्रूटमेंट रूल्स योत पिन गता बोर्ड योत पिन गता तेगुना गता खुआ चिगा चुचे हाकुन मत पा ते स्पे निस लो गता मेजर ते वाल तास्ते खेना गता युत का ने तेने गता मिमें से थुसदे गुना माने डिस माने जिया इग्नोर चोस दे नेग्लेक्ट चोस जो डिस इंपावर चोस को ते वो सोंग पासंग माने जमुरी निजाम जिंग गता ना मिदुक दिरिंग गता कजु यूटी एट सेटअप योद ले गता चिकता ते उतरु पूरा कुंग चिगा अच्छा अमले ना यों मयों आतु गता तेने ची योद कान बो सिर्फ ताना चिगा नौकर शाही गता ब्यूरोक्रेटिक रूल जिंग माने मिदुक थत पर रन बचारु यूटी लद्दाख लंग आता यूटी छत थोप दिलती ने सूजी कठिन मित का गता ले फंड मा मको दक्षा ले बिंजी अंगेजर अजिक्स तेनो ते फ्रेंड संगा कजुक सुजिया कोल दुख गेजर समय जिक्स अजा चिका इनोक ले तोंताक चन गता कजुक मीमांस दंग आता फंचे सने स्कीम छर्जी गुन ना लखलेन चुआ मिदुक जु इना सिर्फ गता इवेंट्स के अंगेजर गता इवेंट मैनेजमेंट जो थी यूटी गवर्नमेंट बो इवेंट मैनेजमेंट जो जू जग अंगेजर थुक्यू सुनोक लेना करगिला डिपार्टमेंट संगमा खाक कलते पेने मंगपोजिक्स क्या दुख का बेना पब्लिसिटी चोचेस माने यंग चांग तुंतक मितुकले पेने मा मांगपो लेप तेनो ते पेने क्या जो गुंदिरी माने अकाउंटेबिलिटी माने मितुक गाता कजुक जाफ्ता जिक रूल्स रेगुलेशन जिक योत ते माने गाता जुग पेने उस क्या ज्ञान मानो चाहे गाता स्टेट सेटअप इंडो चाहे गाता यूटी सेटअप इंडो चाहे गाता हिल काउंसिल इंडो या ग्राउंड लेवल का पंचायती राज ते गुने ना गाता सिरका जिक यानो ते सिरका ते रूल्स रेगुलेशन जाफ्ता हो गाता फॉलो चोस ते मस्तों गाता क्या ज्ञान दिन मान चांग दुख मितुकले सूजिया ठेका तंग कजुक सिया लास्ट युआ चंग मिदुकले सोंग पासंग ओजुक गता सिस्टम जिक दुख का बेना तेन गता लद्दाख से यूटी गुरते ची रेवा जिंग गता लद्दाख से मीमांग से युत पिन गता तेन लंगजिन जिंग गता सेटअप जिंग मसों तो ते फिया तेने गिजरा थुकी सुर ngal lang je le na apex body sucks pinju tel ting nga ta kargil democratic alliance nang nyampung ata zungdel la ladak yuti gangpe nga ta masla song pasang ata tene nam chukpa tene nga ta memang se thusde ji gi laga ngata yuti governance administration accountability khongse ste sang manga ta mile te te chukpa nga ta chi dopa ji gi binu nispa wale te sang masla chenmu nga ta 370 na 35 a mekan su song testing ne abrogate song testing ne chi rungskop ching nga ta yot pinle te wa sang mekan song ka nga ta song pasang constitutional nga ta safeguard nga ta roses duk jete tene ngal apex body tling nga ta jointly te bhi effort chen jik tangi lok tene sting ju ko meeting le na song kan bungis pe na tene kargil democratic alliance na le apex body gun tene sangma chik song te tene nga ta demand sum ji nga ta bor ka le ka wo tene nga ta ladak suiti tene yongche sya ne mongs bena tu guti setup ching nga ta cha ho jete tena ang tang pe ka nga ta yot bin le nam su pa nga ta statehood mitop nga ta safeguard ang miduk nga ta mimang se thuze laga wang cha gun nga ta lewa miduk jet kan bo nispa oyot pinle statehood du bad lang shat constitutional safeguard chatang ata yo amidu uti with legislature na ate yo amidu tene uti with lieutenant governor without legislature banata mane chang amidu ata safeguard le song pasang ata six schedule nga ta constitutional safeguard bo o sa jete nga ta samay jet kar le ta tewa kaltes nga ta etaraz yotna central government atara ko etaraz sante yotna tene six schedule ta third je ka tene nga ta कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट खोस दे या शेड्यूल सामाजिक चोटो यंग कॉन्स्टिट्यूशन ची पोलोजी आने के अंदर ते हो सात जरकान बोगा ते सेफगार्ड निस्पे का गाता बोट काकले
tene sumpa o tene ngata thugi shu dong ata nam ji ngata parliament election chat nang lenang kargil parla ngata duriya ji kharuk le tene nga regional sphere yong dukle communal sphere yong dung ata te vejaste tene lenang kargil le ngata duri ji kharuk zer pasang tene parliament nashast soso le phia soso kargil phia soso jo zer kan dung ata zer kar le ngata te unang nyampo nyampo sangwa thugi shu dok tene mafzo chha o tene ngata constitutional safeguard bungata osirak jekan bekantang sama zultan ni ostelo tene ote meeting ina tete ungata song tete mudda kurte ngata song kangle ten ngata te jane rewa yudung ngata lenang kargil jointly ngata bunch of spinle ngata nitinan rai mos home yong jane te jane tene khonga ngata dun laborte ngata te chiga chospin ki ma gospa tene e tonsa gun celsius epia home minister de tene e thusde gun ngata gospa spera tama bot zertera ma absos espera no mas que mes vera no le dirin supa como te wanang stak mata na me choste na tang mane mabo de no le ta teo song pasan ten dirin i meeting bonga je i ka sok ten le ten i meeting na nga je thak chatte ta i wa sam sing ata ignore chorang te wa gap gal la ten nga ta ma santhe chama lok se le kar gil thundel la apex body na ke di e tene ngata yongche syane tene tu se ngata course of action jing ngata ngata chu ho se pa te diri meter na te uthak chot le tore december is 2 ge jara 6 december jara le nang kargil la pura chakka jam lang pura ban chu se ngaje thak chot te tele a pura le gang pe na chi pura ban chu se ngata ladak ban le ladak ban chu se ngata tene nispa ole tene tel ting ne tene le nang kargil le ngata KDA nang apex body nang tene samsig organization urle rangra level ka miu nang yapo contact churches ngata block level e ka songte village level e ka songte mi sang ma mobilize churste tene daksa date ngaje tan medle in nang tene mosam sapik sasgar cha chingata tene sustain agitation churches ngaje program churste dele ka bena tene te sang mun la tene ngata joint ngata public meeting chen mo churches le leka choches kargil ekang choches ngata kabe nata le nang kargil iska ne ngata kong zom te ngata public meeting ma chenmori ngata choches le te thing ne tene te wa nyan tak mata ngata sama ignore chen dugna tene sustained education choches ipia tene ngaji samme I dering thaksa chik tang sot le kabe tene detail bo tene thing ne tapsil lang ye pongaji chiga choches le o te o dering ngaji meeting na ten thak choten te be ka tene ngaji lothun song te dering ngeje ratu lai ka spera borten उर्दू ना करबला हिसाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब चेयरमैन एपेक्स और इनके मेंबर्स केडीए के मेंबर्स आपने दिया हजरात अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी जानते हैं केडीए और एपेक्स बॉडी की ये तीसरी मीटिंग है, इससे पहले दो मीटिंग हो चुकी है और अगस्त के मीटिंग के बाद जिसमें एपेक्स बॉडी और केडीए ने जॉइंटली चार एजेंडा ओवरऑल लद्दाख यूटी में लद्दाखियों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के लिए गवर्निंग के लिए लद्दाखी गवर्न बाय लद्दाखी लैंड प्रोटेक्शन के लिए कल्चरल और एनवायरनमेंट सेफगार्ड और प्रोटेक्शंस के लिए जॉब रिजर्वेशंस के लिए चार एजेंडा हमारे फिक्स हुआ है और आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसके लिए सबसे पहले एजेंडे पे हमारे स्टेटहुड है। ये स्टेटहुड ही है जिसमें लद्दाखी खुद अपने नुमाइंदे इलेक्ट करेंगे और लद्दाख के लिए रूल बनाना हो कानून बनाना हो इनकी डेवलपमेंट के बारे में सोचना हो ये सारी चीज़ें इस स्टेटहुड के अंदर लद्दाखी करेंगे क्योंकि स्टेटहुड के अंदर आपका चीफ मिनिस्टर विद कैबिनेट आएगी और सारी डिसीजंस इनके पास होगा। तो हमारा पहला एजेंडा ये है कि लद्दाख के लिए स्टेटहुड। उसके साथ ही साथ चूँकि लद्दाख की स्ट्रेटेजिक और जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इसलिए हम चाहते हैं स्टेटहुड के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हो और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के लिए हमने डिमांड रखी थी कि सिक्स शेड्यूल, अगर सिक्स शेड्यूल्स नहीं हो सकता इनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिजर्वेशन से ऑन द पैटर्न ऑफ सिक्स शेड्यूल्स कॉन्स्टिट्यूशनल लद्दाखियों को सेफगार्ड दिया जाए। सेकंड हमारा ये था
इनकी एक एक्सक्यूज ये थी कि आपके लद्दाख में रिक्रूटमेंट के लिए स्पेशली अनएम्प्लॉयड यूथ के रिक्रूटमेंट के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स नहीं है, इसलिए हम रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और एपेक्स बॉडी का और केडीए का ये क्लियर डिसीजंस था कि हम किसी भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स को नहीं मांगते हैं। अगर लद्दाखियों को देना है ऑन द पैटर्न ऑफ पीआरसी, लद्दाखियों को लद्दाखी रेजिडेंस सर्टिफिकेट्स दे दें। और जो ही ये लद्दाख रेजिडेंस सर्टिफिकेट्स आ जाए, इमिजिएटली रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो। ये दूसरी एजेंडा थी। तीसरी हमारा ये था कि लद्दाख को, जब तक लद्दाख को आप कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स नहीं दे देंगे, तो अकेले स्टेटहुड से भी ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं। इन्हीं इश्यूज़ को लेकर ये चार इश्यूज हमने रखे थे, और उसमें फोर्थ इशू हमारा था लेह एंड करगिल के लिए जब भी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आती, क्योंकि पार्लियामेंट्री सीट पूरे लद्दाख के लिए एक है, ये कम्युनल जो हार्मोनी है उसको डिस्टर्ब करने के लिए और कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट्स के लिए एक अच्छी खासी हथियार बन जाती है, तो हमने डिमांड किया लेह और करगिल दोनों के लिए सेपरेट पार्लियामेंट्री लोकसभा सीट। उसी के साथ ही साथ इसमें हमने कहा है कि जिस तरीके से एर्स्ट वाइल जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चार सीट्स थे, लद्दाख को भी राज्यसभा के एक सीट्स दिया जाए। ये चार इश्यूज थे। उसी के साथ आपने देखा होगा जब ये एजेंडा फिक्स हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रॉमिस किया था कि एपेक्स बॉडी और केडीए के जो भी कमेटी बन जाएगी, उस कमेटी के साथ इमिजिएटली होम मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग होगा। लेकिन दो तीन महीने गुजर गए, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। नित्यानंद राय जी यहाँ पे आए मोएस होम, इन्होंने एपेक्स बॉडी को भी नहीं बुला लिया और केडीए को भी नहीं बुला लिया। इनसे हट के कुछ इंस्टीट्यूशंस को बुला के एपेक्स बॉडी और केडीए को तोड़ने की कोशिश की, और जिसके मुखालिफत में एपेक्स बॉडी और केडीए ने पूरी लद्दाख में काल दी थी स्ट्राइक करने की, लद्दाख बंद की, और इसी लद्दाख बंद के चलते हुए ये मजबूर हुए एपेक्स बॉडी और केडीए को बुलाए लेह में। और नित्यानंद जी के साथ हमारी मीटिंग हुई, उसमें हमने इन्हीं दो इश्यूज़ को, चार इश्यूज़ के साथ साथ इन दो इश्यूज़ पे हमने ज़्यादा फोकस किया। हमने कहा था आप जो कर सकते हो वो है पहले रेजिडेंस सर्टिफिकेट, फिर इसके बाद रिक्रूटमेंट, और उसके साथ जो कमेटी बनी है उस कमेटी का इमिजिएटली होम मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग। इन्होंने ये दोनों पॉइंट्स एक्सेप्ट कर ली थी, और इसके बाद आपने देखा कि पूरी लद्दाख के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बजाय लद्दाख रेजिडेंस सर्टिफिकेट इन्होंने इशू कर दी। नोटिफिकेशन इशू हुआ और इसके साथ सर्टिफिकेट्स भी इशू हुआ, लेकिन रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं हुई है। इसको लेकर हमें रिजर्वेशंस है। साथ ही साथ इन्होंने हमें कहा था कि लद्दाख के जो केडीए और एपेक्स बॉडी की जो कमेटी बनी है जॉइंट कमेटी, होम मिनिस्ट्री के साथ बुला लेंगे, लेकिन तीन महीने गुजरने के बाद अभी तक उनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम सोचते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लद्दाखियों के इश्यूज को लेकर, लद्दाखियों के कंसर्न्स को लेकर, लद्दाखियों के डिजायर्स और डिमांड्स को लेकर कंसर्न भी नहीं है, सीरियस भी नहीं है, और वो टालना चाहती है। इसलिए ये तीसरी मीटिंग एपेक्स बॉडी और केडीए का आज करगिल में हुआ है, जिसमें हमने डिसाइड कर लिया है कि बहुत सख्ती के साथ पूरी पब्लिक को लेकर, राइट फ्रॉम मटायन से लेकर आपके चुशुल तक, पूरी लद्दाख के पब्लिक को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बताने के लिए कि लद्दाखी अब खामोश बैठने वाले नहीं हैं, काफ़ी हो गया आपके ये टाल मटोल, अब इन टाल मटोल से हमारा काम चलने वाला नहीं है, अब हम सड़क पे आ जाएंगे, अब हम धरने पे आ जाएंगे, स्ट्राइक पे आ जाएंगे, मास लेवल पे प्रोटेस्ट जारी होगी। इसीलिए आज हमने स्ट्रेटजी और हमारी जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन वो क्या हो, इस पे डिलिब्रेशंस की, और इस डिलिब्रेशंस के बाद जो निकल के आया, जो रिजल्ट निकल के आया वो ये है कि पहला हमारा 6 दिसंबर को लद्दाख बंद, राइट फ्रॉम मटायन से लेकर चुशुल तक पूरी लद्दाख में चक्का जाम लद्दाख बंद होगी, जिसमें कोई भी मूवमेंट्स, कोई भी इंस्टीट्यूशंस नहीं खुलेगा। इसके साथ ही साथ जो ही मौसम
हमारी फेवरेबल हो जाती है मार्च के महीने में, ले हेडक्वार्टर लेवल पे बहुत ही मैसिव लेवल पे पब्लिक रैली होगी जिसमें केडीए के मेंबर्स जाएंगे, और करगिल में करगिल हेडक्वार्टर पे बहुत ही मैसिव रैली होगी पब्लिक की, लेह के अपेक्स बॉडी के मेंबर आएंगे और एड्रेस करेंगे, और उसी के साथ ही मास लेवल पे ब्लॉक से लेकर विलेज लेवल तक इस मुहिम को ले जाया जाएगा, पब्लिक को डायरेक्ट इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तीसरा इसमें जो डिसीजन हुआ ये हुआ कि अपेक्स बॉडी और केडीए का रेगुलर बेस पे मीटिंग चलता रहे, और सबसे ज़्यादा जो फोकस हुआ हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली बीजेपी पार्टी अपेक्स बॉडी में फूट डालने के लिए, केडीए में फूट डालने के लिए, लद्दाखियों के बीच में फूट डालने के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकती है। उन सारी चीज़ों की रोकथाम के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेकर ब्लॉक, ब्लॉक से लेकर गांव लेवल तक अपनी इस एजेंडे को, अपनी इस इश्यूज को, कि ये एजेंडा और इशू लद्दाख के केडीए और अपेक्स बॉडी लेके क्यों चल रही है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमारी फ्यूचर, हमारी मुस्तकबिल, हमारी आने वाली जनरेशंस को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, सेफ किया जा सकता है, सिक्योर किया जा सकता है, और लद्दाख की आइडेंटिटी को बचाया जा सकता है, इन सारे चीज़ों को लेकर ये स्ट्रेटेजी बनी है और फोर्सफुली हम इन चीज़ों को लेके चलेंगे। साथ ही साथ आज एक बात आपसे शेयर करते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में कल तक हमारे बुद्धिस्ट एसोसिएशन, करगिल के जो बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के करगिल विंग, वो नहीं थे, और आज उनके तरफ से उनके प्रेसिडेंट मिस्टर स्कर्मा साहब यहाँ पे आए हैं। अब वो बाज़ाब्ता करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के इस बॉडी के मेंबर्स हैं, और आज के इस मीटिंग में इन्होंने अपने इश्यूज भी रखे, उनके जो भी कंसर्न इश्यूज हैं उसे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस अपने बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करके इनके इश्यूज को भी रिजॉल्व कर लेगी। तो ये हमारे लिए, हम सबों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि करगिल पूरी तरह से, इसमें कोई मजहबी इदारा नहीं, कोई सियासी इदारा नहीं, कोई कम्युनिटी नहीं है जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का मेंबर नहीं है, जो इस इशू के साथ मुत्तहिद और मुत्तफिक नहीं है, इसलिए इन इश्यूज को भी हम आगे लेके चलेंगे। साथ ही साथ अभी जो हमारी कंसर्न है रिक्रूटमेंट को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्पेशली यूटी गवर्नमेंट कोई सीरियसनेस नहीं दिखा रही है, खुद ही इनका स्टेटमेंट है कि आपके 10,000 से लेकर 12,000 तक वैकेंसीज हैं, और इन वैकेंसीज के लिए फिलअप करने के लिए पहले इनके पास एक्सक्यूज ये था कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं था, अब डोमिसाइल ख़त्म हो चुका है, लद्दाखियों के पास अब रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, तो अब इनके पास कोई बहाना नहीं है रिक्रूटमेंट न करने का। इसलिए हमारा डिमांड यह है कि एलजी गवर्नमेंट, जो हमारी यूटी गवर्नमेंट है, एलजी साहब और उनके जितने भी मेंबर्स हैं ब्यूरोक्रेसी, इन सबों को बहुत ही तेज़ी के साथ इस रिक्रूटमेंट को जितने भी वैकेंसी से फिलअप करनी चाहिए। इसमें एक कंसर्न हमारी यह है, वो कंसर्न है कि रिक्रूटमेंट में जो पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट किया है जिसमें मैक्सिमम मेजॉरिटी उस रिक्रूटमेंट के वैकेंसीज को प्रमोशंस के लिए दिया, जो टोटली हमारे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स के लिए कमिंग जनरेशंस के साथ नाइंसाफ़ी है, और इस नाइंसाफ़ी को केडीए और एपेक्स बॉडी किसी भी कीमत पे कबूल नहीं करेगी और इसे रिजिस्ट करेगी, और हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते। हम चाहते हैं जेन्युइनली और जस्टिस तरीके से प्रमोशंस और रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो कोटा बन सकती है जिसमें हमारे फ्यूचर जनरेशन के साथ भरपूर इंसाफ हो, उसी चीज़ पॉलिसी को हम मानेंगे। इसमें जो रेशो इन्होंने सारा प्रमोशंस के लिए रखी है उस चीज़ को हम नहीं मानते। साथ ही एक तीसरी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, वो है आउटसोर्सिंग, यानी हमारे जितने भी वैकेंसीज हैं उसको आउटसोर्सिंग करके लोगों को ला के कंट्रेक्चुअल लेवल पर फिलअप करके अपनी डे टू डे मैनेजमेंट को, डे टू डे नीड्स को पूरा करने की कोशिश करती है। हम टोटली इस आउटसोर्सिंग के खिलाफ हैं, हम चाहते हैं रेगुलर रिक्रूटमेंट हो और रिक्रूटमेंट जस्टिस के बेस पे
इंसाफ की बुनियाद पर हो, इन्हीं इश्यूज़ को लेकर आज हमारे ये डिलिब्रेशंस हुआ है। और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लद्दाख को लेकर जिस सीरियसनेस को वो दिखा रही है, जिस कंसर्न को वो दिखा रही है, और हर प्लेटफॉर्म पे प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर तक और निचले लेवल पे हमेशा कहती है कि हमारी प्रायोरिटी लद्दाख है, हमारी प्रायोरिटी लद्दाख ही है, तो आज वक्त आया है कि पूरी लद्दाख एक प्लेटफॉर्म पे है। लद्दाखियों की चार डिमांड्स हैं, इन चारों डिमांड्स को इमिजिएटली पूरी शद्दोमत के साथ फुलफिल करके हकीकी मानों में जो लद्दाखियों के साथ कंसर्न दिखा रही है उस कंसर्न को ग्राउंड पे शो करें और जो डिमांड्स है उसे फिल अप कर दें। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह, बाकी इसमें सिर्फ अकेला बीजेपी रह चुकी है, हमें उम्मीद है कि लद्दाख की जो बीजेपी यूनिट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता समझ लेगी और इनको भी ये एहसास होगा कि अब पूरा लद्दाख एक ही आवाज़ के साथ, एक ही सदा के साथ, एक ही कदम के साथ आगे बढ़ चुकी है। हमें अगर लद्दाख में रहना है तो इस आवाज़ के साथ, इस कदम के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बीजेपी भी हमारे इस प्लेटफॉर्म में, इस कंसर्न में, इन डिमांड्स को लेकर वो भी ज्वाइन करेगी और इसके बाद आपको कहीं पर भी किसी किस्म की मुखालिफत की आवाज़ दिखाई नहीं देगी। यही बात हम आपसे करनी थी, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज। साहब जिस तरह से स्टेट फूड के डिमांड और जो बाकी पॉइंट्स को लेकर एक हुआ है केडीए और एपेक्स बॉडी, कहीं ना कहीं पब्लिक में कुछ कन्फ्यूजन अभी भी नज़र आता है, कहीं ना कहीं पब्लिक को समझाने की ज़रूरत है कि आखिर ये डिमांड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली हमें कुछ कंसर्न्स लद्दाख के अंदर देखने को मिला, खासकर नुब्रा की बात करें, नुब्रा से भी हमें प्रेस स्टेटमेंट देखने को मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के साथ यकीन है लेकिन स्टेट फूड के साथ नहीं है एलबीए विंग नुब्रा से, और खासकर जानसकार से भी इस तरह के कंसर्न हमें देखने को मिल रहा है। नहीं, आप कह सकते हैं मोबिलाइजेशन में हमारे में कुछ कमी बेशक रही है, क्योंकि हमारा ज़्यादा वक्त जो है इस दौरान हमें इसी संगठन को, इसको मजबूत करने में और गवर्नमेंट के साथ जो वार्तालाप है उसके बारे में हमें, उसी में हमें ज़्यादा समय लगा। इसीलिए हमने कहा कि आज की मीटिंग में हमने ये तय किया है कि हम ग्राउंड लेवल तक, विलेज लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक जाएंगे, लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह जो लोग इसके बारे में, जो रिजर्वेशन जो आपने जिक्र किया नुब्रा में देखा, आपने करगिल में देखा, बेशक लोगों में ये ज़रूर है, तो उसको मिटाने के लिए हम लोगों ने कोशिश ऑलरेडी शुरू की है। जहाँ तक लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का ताल्लुक है, हमारे अंदर भी, तंजीम के अंदर भी कुछ लोगों को ये रिजर्वेशन था, इसीलिए हमने जनरल काउंसिल की मीटिंग बुलाई उससे कुछ दिन पहले, और उसमें हमने वाजे किया, समझाया लोगों को, और तकरीबन सभी लोगों ने उसको समझ लिया। तो हम कोशिश करेंगे कि विलेज लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक जाके हम ये इशू है रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और हमें पूरा यकीन है लोग समझेंगे, क्योंकि हम किसी ज़ाती मुफाद के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ रहे, पूरे लद्दाख खित्ते के लिए, लद्दाख यूटी के मुफाद में, लद्दाख के लोगों के मुफाद में हम ये मुद्दा उठा रहे हैं, और हमें पूरा यकीन है लोगों का पूरा तवन हमें मिलेगा। ये किसी एक आदमी का या एक पार्टी का इशू नहीं है, एक एपेक्स बॉडी का या एक केडीए का इशू नहीं है, ये लद्दाखियों का इशू है, लद्दाखियों के प्रेजेंट जनरेशन की इशू है, लद्दाखियों के कमिंग जनरेशन का इशू है। इसलिए शायद हो सकता है थोड़ी सी समझने में अभी हमारी तरफ से कोताही रह गई हो, कमी रह गई हो, और कुछ हो सकता है कुछ पार्टीज, अनवांटेड पार्टीज इन चीज़ों को मैनिपुलेट करके लोगों के जहनों को मुशविश करने की, ख़राब करने की कोशिश की जा रही हो। इसीलिए आपको दिखाई देता है कि इस कारवां में आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता ही जा रहा है। पहले हमारे करगिल के जो बुद्धिस्ट एसोसिएशन को रिजर्वेशंस थे, आज इनके रिजर्वेशंस ख़त्म हो गए, आज आप, वो भी आपके साथ हैं, तो साथ ही साथ आहिस्ता दूसरे भी जिनको रिजर्वेशंस हैं, जब वो समझ जाएंगे, कन्विंस होंगे और इसकी सीरियसनेस को समझेंगे कि जो डिमांड्स लेके केडीए और एपेक्स बॉडी जा रही है, इसकी सीरियसनेस को समझेंगे, हसासियत को समझेंगे, तो यकीनन वो भी इस कारवां में शामिल होंगे। सर, अभी डिस्ट्रिक्ट के डिमांड को लेकर भी कहीं ना कहीं इतराज़ और संस्कार को लेकर अभी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि केडीए और एपेक्स बॉडी के बीच में कुछ दखल अंदाज करने के लिए इसका साजिश है, अभी डिस्ट्रिक्ट के मांग उठ रहे हैं? ये चीज़ें चल रहा है डियर, इसलिए सारे लद्दाख वासियों को,
लद्दाख के फ़र्द फर्द को इन चीज़ों के बारे में होशियार रहने की ज़रूरत है, कॉशियस रहने की ज़रूरत है कि आपको गैर ज़रूरी या जिसकी अभी उतनी अहमियत और इम्पोर्टेंस नहीं है, ज़रूरी भी होंगे अभी उनकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, उन इश्यूज़ को उठा के लोगों के बीच में वरगला कर मेन जो इश्यूज़ है आपका, जो मेजर इश्यूज़ है, जो सीरियस इश्यूज़ है, उसको बैक बर्नर पे डाल के, पस पुश डाल के छोटे इश्यूज़ को आपको फ्रंट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और आइंदे भी होगा। इसलिए हम सबों को, इवन उसमें मीडिया को भी, बींग ए लद्दाखी, आपको भी अपनी पार्ट अदा करनी है। जो भी कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है, जो भी डिफरेंसेस पैदा की जा रही है, मीडिया सिर्फ अपना नुक्ते नज़र ही ना दे दे। बींग ए लद्दाखी आपकी जिम्मेदारी, आपका भी फ़र्ज़ है कि सही प्रोस्पेक्टिव में लद्दाख के जो दो मेन बॉडीज ने, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इन चार एजेंडेस को लेके आया है, उसके बारे में लोगों को एजुकेट करें, अवेयर करें। अगर एजुकेट और अवेयर हो तो ये जो छोटे छोटे साजिशी अनासर हैं, फूट डालो और अपनी गवर्नमेंट चलाओ, अपना काम चलाओ वाली पॉलिसी करने वाले हैं, वो हकीकत में लोगों के सामने जग जाहिर होंगे, एक्सपोज होंगे और लोगों को पता चलेगा कि कौन सी लीडरशिप और कौन सी टीम लद्दाखियों को लेकर कंसर्न है और कौन सा लीडरशिप और कौन सी टीम लद्दाखियों के नाम पर लद्दाखियों का एक्सप्लाइटेशन कर रहा है। फाइनल मीटिंग नित्यानंद राय के साथ जब लेह में हुआ, उसने क्लियर कर ही कहा था कि आने वाले वक्त में एक तो कमेटी बनाया जाएगा और जो डायलॉग का प्रोसेस है वो जारी रहेगा। तो फाइनल मीटिंग के बाद लद्दाख और दिल्ली का रबता बिल्कुल नहीं है? नहीं, इसीलिए आज हम लोगों ने ये मीटिंग में तय किया है कि क्योंकि उन्होंने इग्नोर किया टोटली, जो नित्यानंद राय ने हमें एश्योरेंस दिया था उस पर भी अमल नहीं हुआ, बल्कि यहाँ तक कि जो कमिटी फ्रेम होना था एपेक्स बॉडी और केडीए के मेंबरान को लेके, जो कि वार्तालाप में डायलॉग में शामिल होंगे, उसको भी उन्होंने अभी तक शायद नहीं किया ऑफिशियली, उसको अभी उन्होंने शायद नहीं किया। इसी के लेके हमारा ये प्रोटेस्ट है और इसी को जल्दी से अमल में लाने के लिए हम कोशिश इसीलिए कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल कारगिल टुडे, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस, लाइक अस ऑन फेसबुक एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। कीप वॉचिंग कारगिल टुडे, कीप एंजॉयिंग कारगिल टुडे, द ओनली वॉइस ऑफ कारगिल लद्दाख।